हे फ्रेंड्स, मतलब अभी हम आए हैं अपनी शॉप पे और अभी हमारी बाइक कुछ ऐसी लग रही है। हॉर्न इधर भी तीन लगे हैं और उधर भी तीन लगे हैं। एंड मैं ये सारे पूरा सेट वहाँ से खोल लूँगा और एक सिंपल ड्रम पैड, ये जो हॉर्न होता है विंटून वाला, वो लगा दूँगा। क्योंकि देखो, पता है यार, कल भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हमारी बाइक पे पास बैठे थे। उतारने हॉर्न आते हैं, हॉर्न उतरेंगे नहीं क्योंकि चाबी से ही उतरेंगे, अंदर से डालनी पड़ेगी चाबी या और फिर बाइक का नुकसान करते, तो बस यही चीज़ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो इसी के लिए हम ये हॉर्न उतार देंगे। एमके भैया बाइक के टेप्ट जो है उसको टाइट कर रहे हैं और ये हमारा जो सेट था हॉर्न का वो मैंने अच्छे से उतार के रख दिया है। तीन ये, तीन ये और ये पूरी वायरिंग बिना किसी भी आप कट लगाए बाइक में इसके साथ बिल्कुल अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हो हॉर्न। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में बता देना, फ्री में नहीं दूंगा, पैसे लूंगा। बट ये हॉर्न भी लगाएंगे, वो सिर्फ एक, और काफ़ी अच्छे से अभी हमारी बाइक हो चुकी है रेडी। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यार सारे हॉर्न उतार दिए, अभी इसको रख देंगे हम। सुबह सुबह उठे हैं, नहा धो के अभी रेडी नहीं हुए, बट हमें क्या टेंशन पड़ गई अपनी बाइक को टेप करनी। चलो चलते हैं, खाना वगैरह खा के हम हो चुके हैं रेडी, अभी चलते हैं नीचे अपनी बाइक के पास। लग चुकी है सामने और ये रहा हमारा प्रोफेशनल टूल किट। तो जल्दी जल्दी बाइक खोल लेते हैं। ये देखो यार, मतलब ये इसकी है स्ट्रोक वाली जो कोयल की वायर और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें 4 mm की वायर। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी करंट इसमें फ्लो हो सकता है और ये करंट जो है वो उसका एम्पेयर या वोल्टेज को डिक्रीज़ भी नहीं करेगी, काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। देखा, इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। ये देखो पूरी बाइक खुली पड़ी है। तो यार हमने जो ये वायर रिप्लेस की है इसकी और ये डाली है 4 mm की, काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। ये देखना अभी ठीक है, ज़रा सी रेस दो और बाइक भाग जाएगी। मतलब हर चीज़ में मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। ये तार बहुत पतली होती है जिसकी वजह से प्रॉपर जो करंट वगैरह है हमारे इंजन में नहीं जा सकता। तो चलिए अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और बचा है, अभी बस बचा है इसके अंदर यहाँ पे एक नट लगाना है और बस फिर बाइक हमारी बिल्कुल रेडी। ये देखो यार, ये इसकी स्पेशल फ्यूल पाइप है जो मैंने खुद बनाई है। मतलब ये भी डिज़ाइन खुद की है, सामान सारा रेडीमेड ही था। मतलब इसके ऊपर ना एक धागा लपेट दिया जो वाइट कलर का आता है, सूत का धागा मोटा वाला, कि जो पेट्रोल जब इस पाइप में से जाएगा वो जल्दी गर्म नहीं होगा और हमारी बाइक में ठंडा ठंडा पेट्रोल जाएगा, जिससे हमारी बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये देखो, इसको इंस्टॉल करना इतना ज़्यादा मुश्किल था ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। एंड ये देखो, ऐसी कुछ हमारी पाइप दिख रही है अब। ओके, ये देखो अंदर एक पाइप, उसके ऊपर ये, फिर टेप और फिर ये। अच्छे से मैंने इसको लॉक कर दिया यहाँ से और ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इसको करते हैं इस तरफ से, उस तरफ से जाने के लिए ओके रिपोर्ट। चलो अभी इसको बंद कर देते हैं। मतलब ये सारा उतारना पड़ गया उस पाइप को ही लगाने के चक्कर में। यार बाइक की जो अंदरली वायरिंग थी उसकी टेपिंग वगैरह सब अच्छे से हो चुकी है, बाइक मैंने बंद कर दी है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अभी थक गया हूँ। और सामान भी मैंने सारा रख दिया, अभी बस बचा है तो इसका ये नट लगाने वाला। और इसके अंदर भी मैंने टेपिंग कर दी थी हेड के अच्छे से, कि ये बाइक काफ़ी लंबे टाइम तक हमें जो है इसकी टेप दोबारा ना करनी पड़े। तो मैं नट लगाने जा रहा हूँ इसके अंदर, वो मैं ये बॉक्सर का पुराना वाला जो स्पीडोमीटर पड़ा है इससे उतार के उसमें लगा दूंगा ये वाला बस। और अगर ये किसी को चाहिए तो मुझसे मांग सकता है या कमेंट कर देना। और ये यूनिवर्सल होता है बट आता महंगा है, सो बस इसीलिए अगर किसी को चाहिए तो बता देना। ये छोटा सा नट है और जब बाइक स्पीड में जाके वाइब्रेट होना स्टार्ट करती है तो बस इस नट की वजह से बाइक में बहुत ज़्यादा नॉइसेस आ जाती हैं। सो ये नट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट मिलता नहीं आराम से। सो मिलेगा तो बस इसी के साथ। अगर ये किसी को चाहिए तो सच्ची में बता देना यार, मैं सच्ची में दे दूँगा। ओके, ये देखो जो जुगाड़ हमने इसमें लगाया था एमसील वाला पेच लगा के, काफ़ी ज़्यादा कारीगर है, अभी तक टिका हुआ है। देख लो यार, ये जुगाड़ लगा लेना। वीडियो आपको इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। ओके, तो भाई मीटर खुल गया, अभी जल्दी जल्दी इसमें यहाँ पे ये देखो ये नट है, ये वाइब्रेट करता है फिर।
ये देखो एमसील काफ़ी अच्छे से यार यहाँ पे चिपक चुकी है अभी। लो भाई अभी मिलता हूँ इसको लगाने के बाद, अच्छे से फिर राइड में जाएंगे। ओके ये देखो 2-3 घंटे हो गया मुझे अपनी बाइक में लगे हुए एंड बस इतना सा ही काम अभी फिनिश हुआ है। ये देखो मतलब टेप वगैरह इसके अंदर मैंने पहले से ही काफ़ी अच्छे से कर दिए कि इसको कुछ भी ना हो, ना ही इसको चूहा इसकी तार खा जाए। और बस अभी ये तार टूट गई यार, ये देखो अपनी किस्मत ही ख़राब है। ये देखो ये मेन वायर टूट गई करंट की। लो यार हमारी बाइक का पूरा काम फिनिश हो गया, हेड वगैरह सब ओके फिट हो गया अच्छे से। ये देखो ये भी टेप मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दी, पहले कलर और था। हमारा एक छोटा सा दोस्त आया था आज और उसको भी लेके देनी है चप्पल, तो जल्दी से पहले हम जाएंगे बिगवाल। बट जाने से पहले हम नहा लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें जो पसीना आ चुका है। की बातें की बातें बाइक अपनी पूरी ओके हो चुकी है अभी, कुछ भी इसका खड़कता वगैरह नहीं है। ये देखो ये भी अच्छे से मैंने फिट कर दिया था। लो यहाँ पे पता है जुगाड़ लगाना पड़ा क्योंकि ये पेज जो लगा है काफ़ी ज़्यादा मोटा था, इसके नीचे कपड़ा रख के ऊपर फेविक्विक डाल के फिर से फेविक्विक डाल के फिर ये फिट कर दिया। अब ये छन छन नहीं करेगा। चलो नहा के मिलते हैं भाई। सभी मैं नहा के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाऊँगा थोड़ी देर में। और पता है एक चीज़ दिखाऊँ, हमने लगवाया ये सिंगल हॉर्न, बस एक ही है और इसकी आवाज़ कम से कम 110 से 120 डेसिबल के बीच में है। एंड ये अकेला 950 का है, 2000 की इसकी जोड़ी आएगी, कंपनी का पता नहीं लेकिन हमने शॉप से लिया है। मतलब ये चीज़ हॉर्न तो हॉर्न ही है, ये एक इतना महंगा आ सकता है ना, तो सोचो दूसरी चीज़ें कितनी महंगी होगी। सो हम ऐसी वैसी चीज़ें अपनी बाइक में इंस्टॉल नहीं करवाते, ब्रांड देख लेते। KNY का है यार, 400 हर्ट्स की आवाज़ निकालता है ये, वाओ। 12 वोल्ट, 415 एम्पियर, यार काफ़ी ज़्यादा मतलब लाउड साउंड है इसका, बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यार आज आसमान देखो कितना प्यारा हुआ पड़ा है ना, कितना साफ है, बिल्कुल डोरीमोन वाला आसमान हुआ पड़ा है, बादल कितने नीचे आ चुके हैं। ये देखो यार अभी हम 40 की स्पीड पे पहुंचने वाले हैं, 40 मतलब 40, और अभी कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रही है बाइक में से। मतलब पहले जब हम 40 की स्पीड पे रहते थे ना तो इसमें से एक अलग सी वाइब्रेशन आती थी जो काफ़ी ज़्यादा ईयर्स को परेशान करती थी, अब काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बस एक छोटे से जुगाड़ से 5 रुपये में वाइब्रेशन ख़त्म हो गई यार, देखा कितना अच्छा है। और अब मौसम चेक करो कितना प्यारा हुआ पड़ा है, धूप भी है छांव भी है और ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। लो यार आज मौसम कितना प्यारा हुआ पड़ा है, धूप भी है और मौसम ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि आज आसमान बहुत क्लियर है, मतलब जो सामने हमें बादल दिख रहे हैं वाइट कलर के, काफ़ी ज़्यादा प्यारे, मन को ठंडा ठंडा लग रहा है आज। वाह काश हमेशा मौसम ऐसा रहे, बस ऐसा ही रहे। पता है ये मौसम में बंदा कहीं भी घूम फिर जा सकता है, घूम फिरने आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, बस चले चलो चले चलो। अभी हमको आ गया एक थोड़ा सा काम, प्रिंस की बाइक पुलिस ने पकड़ ली है तो ऑफिसर से छुड़ा के घर लाएंगे। वाह यार चलो कोई बात नहीं, दोस्त है फिर भी यार जाना तो पड़ेगा।